हेलो जी, जय श्री कृष्णा। मैं मोनिका संजना ब्लॉग दे विच तुहाडे सारे भैण भरावां दा स्वागत करदी हां जी। लो जी, मैं पेके जाण दी फुल तैयारी है, पर अज तां रखड़ी तों एक दिन पहलां वाला दिन है। अज हैगे 21 अगस्त, दिन हैगा शनिवार। पेके जाण आपां ने रखड़ियां वाले दिन यानी कि संडे नूं ते 22 अगस्त नूं, पर मैं मतलब कि जाणे दी जिवें कि फुल तैयारी हुंदी आ, कपड़े कुपड़े सारे धोते, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, किणमिण सवेर दी लगी भी है, हुण थोड़ी जी घट गई उंज, पर सवेर दी किणमिण किणमिण हो रही है। तो कपड़े बाहर आपां खोल नहीं सकते हैगे, धूस मार के सारे इधर कुर्सी के उपर रखते ने। मैं हुण थोड़ी जी ना शीशे की डस्टिंग करन लगी, बाहरों शीशा साफ करता, आ देखो। तो हुण मतलब कि अंदर ना काफ़ी टाइम हो गया, मैं अखबारां नहीं चेंज कीतियां सीगियां, हुण मैं अखबारां चेंज कर रही हाँ। तो जो जो समान है नाले, वो भी जो मतलब कि गंदा होएगा उन्होंने भी साफ करके रख ली है। इस तो पहले जो तुम मेरे चैनल पर नवे, प्लीज़ मेरी वीडियो सबसक्राइब जरूर करो, लाइक करो, बद तो बद शेयर जरूर करो, मैं कमेंट करके जरूर दस्यो तुम्हें मेरा अज का ब्लॉग किमें लग्या। इन डब्बों के बीच ना मैं कई बार लिपस्टिक बिंदियां पा के रख लें हूँ, नहीं जेड़े जेड़े ना यही उतारने हूँ, यदि सफाई होएगी ना यही उतारने। सूई ना सूई वाले डब्बे पाते, सूई वाले डब्बा नहीं है वो सामने, पता नहीं दो नंबर तेरे पखा चला ला, गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है। ले सारिया रीलां ना सेटिंग करके रख ले, इतने बैठ के और अभी बिचे पा दी। जौन सी फोल्ड है ना वो भी सीधी कर दियो, ये भी एक लिपस्टिक है तो अच्छी पी रहा है, साफ कर दी, काफ़ी डस्ट हो गई पई इधर। ये फ्रेंड्स हम बिग बाजार से लाए थे, मतलब कि डिजाइनिंग जी दे सैटिंग जी करता नहीं हूँ, फिर ना जी निचलियाँ स्लैपा लक्कड़ दियाँ बनिया हुई ने ना ये खराब नहीं होंगे है। कई बार कोई संदूर गिर जाता बलमाता, चलो जी आप अच्छी तरह सैटिंग करके करांगे ना, को कुछ नहीं गिरता है, तो अपने हाथ होंगे रखना है ना। तो मैं इन्ना ज्यादा चाय मैं रखड़िया रुखड़िया सारा कुछ कड के रख लिया, जब मैं अपने घर पे बांध दूंगी फिर हम जाएंगे नानी घर। लो जी, मैं अपने शीशे विच ना इदा रख दी हूँ समान, तो एक साइड सारे बदल दिए खाने रोटी, ढाई बज गए, सवेर का नाश्ता ही कर बस, काम कार दे विच इन्ने बिजी हो गए, रोटी की भुख नहीं लगी है, फिर मैं भी ऐसा मैं फटाफट काम निबड़ जाए,
तो मैं राखड़ियाँ भी खोलिया हूँ, सू राखड़ियाँ भी दिखाई दें। चलो बटन बह गया एक बाकी मोली मोली संदूर संदार संदूर चावल वगैरह कल ऐड कर दांगी सवेरे ही भी दिखा देंगे। मैं अपने पेके लेके जानी ने रखड़ियां ने कैसे बांधते हैं ए, इत्थे ते दो पाड़ जे करके ये किसके बांधोगे मामी दे। आलो आवे ये तो है मेरी नानी घर के लिए आ हैगी मेरे पेकियां वास्ते मैं डिब्बा मैं लूंगा ओथे जाके नहीं हले नहीं लेना है डब्बे का क्या करेगा तू बस शीशे दान आ इत्थे वास्ते है जी आ उत्थे वास्ते ने पेकियां वास्ते ये किसकी है ए तेरी है फुल वीडियो शेयर करेंगे इसकी तो फिर पता क्या है सवेरे टाइम ही नहीं हुंदा हैगा इतना है ना भी फटाफट अपां रखड़ियां भी खोलो ये करो वो करो घर दे किन्ने काम होने खास करके जॉइंट फैमिली च ये फ्रेंड्स मैंने चॉइस करी थी सारी रखड़ियां ना मम्मी कपड़े ने भी रख दी मैं क्या जे बच्चे दे हाथ लग गए मैनू लगदा सारे दे बच्चे काम खराब कर दे ही होणगे मेरे ताप कर दंदे ने मैं अक्षय ही करता मैं नहीं करती चल तेल वाला दही भी गई आज रात में वाली एक ना सच मैं थोनू एक मेन गल दस दे मैं कई बार सोचदी सोचती हाँ पर जो दसना होंगे भुल जानी हाँ एक भैन ना कुरक्षेत्र तो आए थे वह भैन ना दस के गए थे मेरे बेटे के ना सिर के बहुत ज्यादा मतलब कि ना इन्नी खाज जी होंगी इन्नी शिकरी जम जम ये इन्नी जम जाती है पर भैन ने एक नुकता दस के गए थे असं उदों दो ही कर रहे हैं पर एन ठीक हो जाता है जे बिचों असं हट जाने फिर हो जाता है पर भैन इन्ना वधिया तरीका दस के गए थे कुरक्षेत्र तो आए थे असं उन्होंने भी जरूर जावे जब कद असं कुरक्षेत्र जावे ना फिर वह भैन जरूर मिल के आवेंगे तो वह दस के गए भी दही के बीच ना एक चम्मच चीनी पा के चंगी तरह घोल लो एन चंगी तरह मिक्स कर लो बिच बिल्कुल भी ना पता लगे भी चीनी पाई हुई है फिर असं ये जे जिथे जिथे जख्म हो ना सैड के सारे सेंटर के इतने उत्थे तो एन चंगी तरह मतलब कि एन काफ़ी देर तक मालिश करते हैं ताकि जख्मों एन एन नारियल की तरह साफ हो जाता मेरे बेटे का सिर जे ये 15 दिन रेगूलर लगवावे बस ये अपने आप ही घोल कर जाता कहूगा मम्मी मैं खेलना मम्मी मैं पढ़ना मम्मी मैं ये करना वो करना करता ही नहीं है तो फिर बस बेटे कैमरा बहुत हिल रहा तो बस फिर ना करके ठीक हो जाता बहुत वधिया थैंक यू भैन थोड़ा बहुत बहुत तुम इन्ना वधिया नुकता दस के गए हो ये दवाई तो भी वधिया है पर असं ये करते होंगे तो आप ही घोल कर जाता करवाता नहीं है जिद कर लग जाता तो पर असं हम ये रेगूलर तकरीबन करे रहे हैं तो अज फिर मैंने इन क्या मैं दही ले आई 10 रुपए की वह असं कप ना लगते ही रख लें फिर वो ये सिर में वास्ते ही रखते हैं जी। चलो हम आप करते हैं नीचे जाके लंच हमने एक चावल बनाए हैं और छोले आपको खाने हैं तो आ जाना वो हो गए थे साफ हाँ अच्छी तरह हो गए आ जा चप्पल मेरी ये पड़ी ना पीछे ही रखी थी आपने नहीं हो रहे अच्छा ग्रीन कलर की ये पड़ी बॉल्टर ये हमारा डॉगी है बॉल्ट लो जी वास्ते तुसी भी आ जाओ असी तो चावल ही खा रहे हैं खाना इन्ना बच गया जी रात का वही गर्म कर लिया फिर वेस्ट जाना सीगा सलाद कट लिया पिछो लो जी हुण आपां थोड़ी देर तक ना बच्चों वास्ते शॉपिंग करन जावांगे फिर तुसी भी वीडियो नूं स्किप ना करियो देखते रहो जी वो तारक मेहता देख रहे हैं
शाम हो गई जी। लो हुण आपां तुहानू कोई चीज़ दिखाते हैं। ये आप लेके आए चप ये लिया जी अपने चपाती बॉक्स उल्टा। हाँ ऐसे ऐसे तो कलू है ने रखड़ियाँ बहुत ज़्यादा उत्साह जहा हो है ना। हाँ ये ना हाँ ये हांडी टाइप है ये मैं ना अपनी मतलब कि वह अज तक मेरा ब्लॉग नहीं देखे पर मैं सरप्राइज ही समझो होंगे या गिफ्ट का सरप्राइज ही होंगे है ना। दो हो गए एक नानी ने दिता सी मेनू जद अक्षय तू है तो छूच के दिती थी नानी ने एक उदो दिता थी पे है मेरे को हां एक मतलब की देखो तुसी शेप बहुत सोहनी है ये मतलब कि ये तो मैं अपने चाची जी वास्ते लेके आई हाँ है ना। वैसे तो सरप्राइज है पर अज ना उन्होंने घर फंक्शन है बहुत ज़्यादा बिजी हो मेरी वीडियो नहीं वेखणगे तो फिर मैं कहा चलो मैं अपने सारे भैन भरावों तो दिखा देव है ना। आ देखो ये सेम शेप है सेम डिजाइनिंग है यदा ना मतलब कि ऑफ वाइट क्रीम के बीच बिल्कुल क्रीम कलर होंगे जरा क्रीम कलर इसका डिजाइन कलर है जी। तो आ डिजाइनिंग देखो बहुत प्यारी है तो मैं तुम्हें बिचों खोल के दिखाती हाँ। तो आ पूरी शेप देखो बिच एन हांडी टैप है पूरा स्टील है जी ठीक है। तो ये हैगी जी यदि ढक्कन ये न्यासा कंपनी का ठीक है जी न्यासा का 1500 ml तो ये डिजाइनिंग ये आती है जी एक कॉफी शेड च आंदा है ये जो आप लेके आए हैं सेम तो नहीं आप सेम ये वाला लेके आए है ना आ वाला लेके आए आप वाली डिजाइनिंग सारी होंगी है ना। तो बहुत ही प्यारियां प्यारियां आइटम है तो आने वाले टाइम के मैं उतों ही वीडियो बना के ना सारे जिन्हें भी मतलब कि डिनर सैट है कांटा चम्मच हर एक आइटम है खुद मैं तो आप खुद हैरान रह गई एड्डी सोहनी इन्नी प्यारी मार्केट देख के भी हाए उत्थे इन्ना सोहना समान है ना बहुत वधिया। तो कोई भी भैन भरा मेरे तो कुछ भी मंगा सकता है डिनर सैट मतलब कि इन्ने वधिया तो वधिया कंपनी दे ने बहुत वधिया मतलब कि कोई एवें नहीं हैगा उत्थे ना चाहे तुसी मतलब कि 200 तो लेके मतलब कि 10-20 हज़ार रुपये तक आइटम है जी उत्थे वो अपनी इच्छा कि आप कितने तक ले सकते हैं है ना। वैसे चलो करन दे विच गल आ गई तो एक सरप्राइज हो रहा है ये मैं अपने हसबैंड लई ना शर्ट लेके आई हाँ फंक्शन पर जाना ना ये बोलो दिन गिर गया हलो ये ना मैं 3 पैंटा सवाइया ये ना वो नहीं पाते हैं जीन्स नहीं पाते मेरे हसबैंड ना जीन्स पेंट नहीं पाते बिल्कुल भी हैगी सी एक दो जीन्स फिर मैं मतलब कि ब अपना वीर जी वगैरह फिर इदा ही बच्चे ही पाते हैं फिर नहीं पाते है ये तो एक स्किन कलर की स्टिच करवा के दिती है ये ग्रे कलर की दिती है जी स्टिच करवा के ते बिल्कुल ब्लैक कलर की है ये 3 पैंटा दी ते सेल्फ प्रिंट ज है बिच इदा तो हाँ देखो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना तो ये भी सेल्फ के बिच ही है तो जेड़ी तो देखो हूँ ये है ये नाल तो मैं लेके आई हाँ ये ब्ल्यू वाली शर्ट है ना। फिर मैं क्या बिल ये नाल तो यदा तो कॉम्बीनेशन तो थोड़ा जहा भी डार्क का ही चलेगा या फिर ये ब्लैक चलेगी या फिर ब्ल्यू चलेगी या फिर कोई मतलब कि रैड कोई डार्क शेड ही चलेगा तो बच्चिया जड़ियाँ ये दो ये भी मतलब कि थोड़ी जिमें कोई कोई होर कलर की होगी तो जी ब्लैक है ब्लैक नाल जिमें कि कोई पिस्ता कलर हो गया कोई होर हो गया मैं पिस्ता कलर बहुत सोहना लगता है थक गई वो सोच रही सी पिस्ता कलर हजे मैं उत्थे नहीं मिलिया तो नाले मेरे हसबैंड मेरे नाल सीगे वो बिल्कुल भी लाइक नहीं करते उन्होंने नवी अपने वास्ते मतलब कि शॉपिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं हैगा। जो भी मैं कोई भी इन्होंने वास्ते कोई फंक्शन वास्ते या कुछ एवं चीज़ लेके आना तो मैं इन्होंने झूठ बोल दी जे मैंने पूछते हैं कि ले रही हूँ मैं कह दूँगी अपने ब्रदर लिए ले रही हूँ लेंदे नहीं है उन्होंने शौक नहीं है। तुम भी दस्यो कि हसबैंड वैसे
मैनू नहीं लगता है कि कोई भैन एवं कहेगी मेरे हसबैंड शौक नहीं है। सारे बहुत शौक होंगे है ना, पर मेरे हसबैंड नहीं हैगा जी, पता नहीं क्यों नहीं हैगा, इन्होंने तो बिल्कुल नहीं हैगा। देखो हूँ फंक्शन है तो चीज़ चाहिए है, आप कि आते जाते हैं है ना। हजे सगो मैं अपने लिए कुछ नहीं लेके आई हैगी, मैं मैं अपने लिए फिर लेके आऊँगी, मेरे को सारा कुछ हैगा ही है। तो फिर मैं चलो इन्हों तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो एक बेटी ले भी लेके आई हूँ ड्रैस, तो एक मैं अपने काकू ले भी लेके आई हूँ मेरे जिंद जान वास्ते। तो कहते मम्मी असी नहीं दिखाते, कहते असी सवेरे दिखावे। मैं क्या चलो कोई गल नहीं, आप सवेरे दिखा देंगे। तो लो जी मैं सोच रही हूँ ना वीडियो तो एंड इतें कर देव हूँ ना, काफ़ी शाम हो गए, देखो 7:30 हो गए। मैं रोटी रुटी दे नेड़े लगा, कपड़े चेंज कर लव, मैं कैमरा इधर कर लव पहले। तो शाम ना काफ़ी हो गई है, सब्जी तो पई है, सब्जी तो बनाती है, सब्जी पई भी है, रात की भी काफ़ी बची पई है। तो हूँ फिर अच्छ लगी नहीं है कि दिन च किसी ने खाई नहीं इन्नी रोटी पानी, तो बस अपने चावल वगैरह पे से अपने उही खा ले सीगे। तो हूँ सब्जी तो पई है, बस आटा गुन्न के ना फुलके ही बनाने हैं। तो आज नाले तुसीं भी खा लो सारे भैन भरा आज। तो हूँ आप चलते हैं नीचे, बस हूँ मैं ना नीचे जाके खाना खुना तैयार कर दी हूँ। 7:30 हो गई, 7:30 तो मम्मी भी अज रखड़ी बन के आया। मेरी सस के पेके हैं जी चंडीगढ़, खास चंडीगढ़ मनी माजरा, तो उत्थे दे मम्मी मम्मी भी अज रखड़ी बन के आए हैं। सारे सारे मम्मी दे चार पत्नी पांच भरा हैं, सारे दे घर बारी बारी जाके आए हैं। तो हूँ ही आए थे कपड़े वगैरह मैनू दिखा रहे थे, कहते आ दिते हैं बहुत सोहने कपड़े दिते मम्मी मामी उन्होंने मम्मी नू बहुत प्यारे। चलो कोई जरूरी नहीं होंगे कि कोई कपड़े नाल ही होंगे, मैनू तो इस गल मैं तो बिल्कुल सोचती ही नहीं हैगी। सिर्फ अगर कोई ना पेके गया तो सिर पर हथ रख देना उ बहुत खुश होंगे। पेकों का माण तो धीन एक धक्का ही बहुत होंगे, उ सब तो बड़ा होंगे। मेरी तो नाले सोच यही जी है कि परमात्मा ये जेडे 10 मतलब कि 10 नौहों की किरत है ना, ये इन्नी बरकत पावे, इन्नी बरकत पावे ना कि सिर्फ जे किसी का मिले तो सिर्फ एक आशीर्वाद मिले, होर सब तो वड्डी तो वैसे यही होंगी है जी। लो जी हूँ मैं सोच रही हूँ वीडियो तो एंड इतें ही करदा। एंड करन तो पहले जो तुम मेरे चैनल पर नवे प्लीज़ वीडियो सबसक्राइब जरूर करो, लाइक करो, मतलब शेयर करो। तो कल का ब्लॉग बहुत ज़्यादा स्पैशल होएगा, कल मैं रखड़ी का भी ब्लॉग बनावगी, तो बहुत खुशी खुशी उठागी, बहुत ज़्यादा चाह होंगे मैनू रखड़ी का, तो बहुत ज़्यादा क्योंकि एक तो पेके जाने है ना, एक तो वो वाला चाह होंगे, एक चलो भी माँ मिलते अपने भरा भी मिलते हैं है ना, वो चाह होंगे। तो दूजा मेरे खुद का बेटा है ना, मेरा दो सब तो एक मतलब कि जो सा सब तो बड़ा बेटा है वो बहुत मैनू लाडला बहुत प्यारा है मैनू क्योंकि संजना का बहुत ज़्यादा प्यार करता, बहुत ज़्यादा दिल तो प्यार करता, क्यों मेरे बच्चे बच्चों का आपस के हमेशा बनिया रहे है ना। मैनू इदा होंगे कि मेरी बेटी अज छोटी बच्ची है, कल जवान होएगी, फिर वो मैरिज होएगी है ना, फिर वो सहुरे से आया करेगी। बड़ी लंबी सोच सोच रखी, मैं हाए वो अपने सार मेरी बेटी के 6 भरा है जी, 6 वास्ते मैं रखड़ी, तो मैं वो वास्ते इन्नी तैयारी करके रख्या करूँगी। मेरी धी राणी जो भी अपने सहुरे तो आया करेगी है ना, तो साड़ी भी हमें साड़ी मम्मी बहुत ज़्यादा तैयारी करती, मेरी धियाँ आनगियाँ, असी 4 भैन जी, एक तो अच्छ आ गई लुधियाने वाले, तो एक मैं जाऊँगी, एक नहीं आएगी बेचारी, एक शायद सवेरे आवे, एक नहीं आती हैगी। मेरे जीजा जी ने एक्सीडेंट हो, मेरे जीजा जी बाइक नहीं चला सकते है, फिर मेरी सिस्टर औखा है, मेरी सिस्टर ना 1 साल बाद सिर्फ जून दी छुट्टियों में रहने वास्ते आते हैं, 2-4 दिन वास्ते उंज नहीं आते हैं बिच नूं कभी भी। तो लो जी हूँ दुख सुख गल्लां बातें काफ़ी हो गया, हूँ मैं चलती हूँ नीचे खाना खुना तैयार करा, तो वीडियो का एंड मैं इत्थे करदा। पर एंड करन तो पहला प्लीज़ मैनू थोड़ी हैल्प की बहुत ज़्यादा जरूरत है, सारे जने मेरी हैल्प जरूर करो, मैनू मेरी वीडियो वध तो वध शेयर कर दो, तो मैनू कमेंट करके सब तो पहले तो वीडियो सबसक्राइब करो, लाइक जरूर कर दिया करो, प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, तो मैनू मतलब कि कमेंट करके दस दिया करो कि थोड़ा मेरा आज का ब्लॉग किमें लगे। तद तक लिए बाय बाय, सारे बोलो जय श्री कृष्णा।